आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बेतिया बिहार से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। रामनगर प्रखंड के अंतर्गत चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मंगलवार के दिन अचानक पहुंच कई अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल में अनियमितता पाई गई। वहीं अस्पतालों के नर्सिंग के सर्टिफिकेट की जाँच के आदेश दिए गए हैं। यदि जाँच में अस्पतालों के नर्सिंग का सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है तो अस्पतालों को सील करने की तैयारी की जाएगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरी जाँच के क्रम में स्थानीय अंचल अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा, एसडीपीओ सत्यनारायण राम, थाना अध्यक्ष अनंत राम, कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी मौजूद रहे। एसडीपीओ साहब रामनगर, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हम लोग विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किए। इसके क्रम में संजीवनी अस्पताल, 2 और अस्पताल, सिटी अस्पताल, सभी अस्पतालों का निरीक्षण किए। सभी में अनियमितता पाई गई है। सर के आदेशानुसार सभी अस्पतालों को सील किया जाएगा और नर्सिंग का सर्टिफिकेट जब इन लोग पास नहीं होगा तो आगे इन लोग पर प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी।